नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार को मिलेंगे 10 नए आईएएस अधिकारी। डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम हुआ घोषित। शिक्षक नियोजन के छठे चरण के मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। पिछले 10 दिनों में महज 2 मिलीमीटर बारिश, किसान चिंतित। हिटमैन ने रचा इतिहास, अफरीदी, गेल और धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को मिलेंगे 10 नए आईएएस अधिकारी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चयनित 180 आईएएस अफसरों में 10 अधिकारी बिहार को मिलेंगे, जिनमें 3 अधिकारी को होम कैडर मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य की कुल सीटों का 1/3 होम कैडर तथा 2/3 सीटें दूसरे राज्य के रहने वाले आईएएस के लिए सुरक्षित रहती है। आईएएस आईपीएस के लिए होम कैडर पहली पसंद होती है। कई बार श्रेणी में सीटें उपलब्ध नहीं होने पर टॉपर को भी होम कैडर नहीं मिल पाता है। इस बार बिहार में 3 होम कैडर की सीटें हैं, सभी एससी के लिए सुरक्षित हैं। बिहार में स्थापित होने वाले आईएएस अधिकारी की पदस्थापन की सूचना कार्मिक मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को दे दी है। डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम हुआ घोषित। डीएलएड की परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। छात्रों को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बीते दिन डीएलएड पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम और सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। डीएलएड पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। वहीं डीएलएड सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2 से 5 अगस्त तक होगी, जिसकी परीक्षा दोनों पालियों में होगी। इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 14 जुलाई यानी कल जारी कर दिया जाएगा। यहां से कॉलेज के प्राचार्य प्रवेश परीक्षा डाउनलोड कर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ परीक्षार्थी को मुहैया कराएंगे। हालांकि आपको ये सलाह दी जाती है कि ये संक्षिप्त जानकारी है, आप बीएसईबी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक बार विस्तृत जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। हाई कोर्ट ने बिहार के इन कॉलेजों को दी बड़ी राहत। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 138 कॉलेजों से बिहार बोर्ड इंटर कक्षा में एडमिशन से रोक हटा दी है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड के उन निर्देशों को निरस्त कर दिया है जिसमें इंटर की पढ़ाई कराने वाले संबद्धता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों को निरीक्षण शुल्क और अन्य कार्रवाई करने को कहा गया था, और साथ ही इन कॉलेजों के नाम OFSS पोर्टल पर भी शामिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने दूसरी बार संबद्धता के लिए निर्धारित समय पर आवेदन नहीं करने के कारण इन कॉलेजों के नाम OFSS पोर्टल से हटा दिए थे। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि जब सरकार ने संबद्धता दी है तो फिर बार बार क्यों संबद्धता ली जाए। एनआईटी पटना को मिला बिहार और झारखंड की नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट। अब एनआईटी पटना बताएगी कि नदियों को कैसे और कहां जोड़ा जाए। दरअसल एनआईटी पटना को नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्णरेखा और दामोदर नदी को कैसे और कहां जोड़ा जाए, इस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी महीने जुलाई में होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एनआईटी पटना के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र और वाटर रिसोर्सेज के प्रोफेसर रमाकर झा ने बताया कि इस परियोजना में पूरे देश की 37 नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है जो कि अलग अलग राज्यों में है। इनमें 14 नदियां हिमालय क्षेत्र की है जबकि 16 सेंट्रल और साउथ इंडिया की हैं। शेष बची नदियां देश के अलग अलग हिस्सों की है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में 1 करोड़ की लागत लगेगी। वहीं अगले 1.5 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। शिक्षक नियोजन के छठे चरण के मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत उन नियोजन इकाइयों में जहां विभिन्न विषयों के लिए बीएड सत्र 2019-20 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने एक भी आवेदन नहीं किया है, वहां पहले ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों को जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों ने मार्गदर्शन देते हुए साफ किया कि जिन विषयों में बाद में शामिल अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किए हैं वहां पूर्व की प्रक्रिया मान्य की जाएगी। अब विभिन्न नियोजन इकाइयों में 25 से 27 के बीच काउंसलिंग की जानी है, हालांकि इससे पहले 22 जुलाई तक मेधा सूची जारी करनी है। पर्यटन मंत्री ने किया कांवड़ यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा पर 4,476.29 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं वर्तमान समय में योजना के कार्यान्वयन में 4,035 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बुधवार यानी आज कांवड़ यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को धर्मशाला, पुलिस और अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी।
ऐप में कांवड़िया सर्किट के अंतर्गत आने वाले भागलपुर, मुंगेर और बांका से सूचनाएं लेना आसान होगा। इसके लिए कांवड़ियों को गूगल प्ले स्टोर में जाकर कांवड़ ऐप को डाउनलोड करना होगा और श्रद्धालुओं को रास्ते में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में सभी जानकारी एक क्लिक पर मिलने लगेगी। इसके साथ ही अजगैबी नाथ भागलपुर के अंतर्गत घाट का विकास किया गया, सुल्तानगंज में चेंजिंग रूम, मुंगेर मोजमा में रेन सेल्टर, बांका जलेबिया में मार्गीय सुविधा, शिवलोक रेन सेल्टर, टंकेश्वर में मिनी कैफेटेरिया, सुइया में मार्गीय सुविधा, सिटिंग सेल्टर चिहूत जोर में कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। पिछले 10 दिनों में महज 2 मिलीमीटर बारिश, किसान चिंतित। बिहार में जुलाई के शुरू होने के साथ ही बारिश में जैसे अकाल पड़ गया है। प्रदेश भर में पिछले 10 दिनों से मात्र 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि राज्य में 3 जुलाई तक 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, वहीं आज यानी 13 जुलाई तक यह आंकड़ा खिसक कर महज 192.9 मिलीमीटर तक ही पहुंचा है। बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। सभी की निगाहें गुरुवार को आगामी 2 सप्ताह की बारिश के पूर्वानुमान पर टिकी है। बारिश नहीं होने के हालत में किसानों की सांसें अटकी हुई है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, सरकार भी चिंतित है। वहीं बिहार में मॉनसून को सक्रिय करने के लिए जरूरी हवा की गति, ट्रफ लाइन और वायुमंडल में नमी की मात्रा आदि मौसमी दशाएं अनुकूल स्थिति में नहीं है। बारिश की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। हालांकि अगर प्रदेश में किसी क्षेत्र में बारिश होती है तो वो अपवाद स्वरूप होंगे। बिहार के अनिल अग्रवाल ने जब रातों रात लंदन जाने का किया फैसला। अपने दम पर कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले उद्यमियों का जिक्र हो तो वेदांता के अनिल अग्रवाल का नाम सुनकर बिहारवासी गदगद हो जाते हैं। यही नहीं, आने वाले समय में वह भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाले हैं। इस बीच अनिल अग्रवाल ने अपनी कहानी सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर के जरिए साझा की है। ट्विटर पर उन्होंने बताया कि कैसे वह 2003 में अपनी कंपनी वेदांता को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने वाले पहले भारतीय बने। वो रातों रात लंदन जाने का फैसला किया था। आप में से अधिकांश मुझे 2003 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध कराने वाले पहले भारतीय के रूप में जानते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई पूरी कहानी आप अनिल अग्रवाल के ट्विटर अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इन जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो इन शहरों को मिली राहत। बिहार में तेल कंपनियों ने आज यानी बुधवार को कई जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और किशनगंज समेत अन्य जिलों में 13 जुलाई 2022 को पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। हालांकि राजधानी पटना, गया और पूर्णिया जैसे कुछ शहरों में तेल की कीमतों में हल्का इजाफा हुआ है। मालूम हो कि बीते दिन भागलपुर, मुजफ्फरपुर और किशनगंज समेत अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं राजधानी पटना, गया और पूर्णिया जैसे कुछ शहरों में कमी की गई थी। इसके बाद अब राजधानी पटना की बात करें तो यहां आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़कर क्रमशः 107.62 रुपए और 94.39 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यूपी पुलिस ने तेज प्रताप के मामले में दी सफाई। बीते दिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गोवर्धन पर्वत पहुंचे थे, जहां मथुरा की पुलिस ने गोवर्धन की परिक्रमा करने से रोका था। तेज प्रताप यादव ने यूपी के सीएम पर आरोप भी लगाए थे। अब इस मामले में यूपी की पुलिस ने सफाई दी है। मथुरा पुलिस के ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि पूरा मामला क्या था और तेज प्रताप की बात कहां तक सही है। मथुरा पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एनजीटी और न्यायालय के आदेशानुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर वाहन ले जाना मना है। ऐसे में पुलिस ने तेज प्रताप यादव के वाहन को परिक्रमा मार्ग पर ले जाने से मना किया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव खुद एसएचओ गोवर्धन से थाने में परमिशन लेने के लिए आए थे, जिस पर एसएचओ ने उन्हें सम्मान सहित समझाया, जिसके बाद भी वह अपने वाहन के साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना चाहते थे। ऐसे में परमिशन नहीं मिलने पर वह वापस चले गए। राजद प्रवक्ता ने कहा, पीएम मोदी ने बिहार को एक बार फिर किया निराश। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए पटना पहुंचे। विधानसभा परिसर में पीएम मोदी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी ने बिहार को निराश किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी को लगा था कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के लिए जो भी घोषणाएं की थी उसे अमलीजामा पहनाने के संबंध में वो घोषणा करेंगे, लेकिन लोगों को निराश होना पड़ा। लालू यादव की तबीयत में तेजी से हो रहा सुधार।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं। मालूम हो कि हाल ही में वो राजधानी पटना स्थित राबड़ी आवास की सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत दवाइयों की डोज की वजह से खराब हो गई थी। लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार लालू यादव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की तबीयत में जिस रफ्तार में सुधार आ रहा है, इससे माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लालू यादव अब लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और सहारा लेकर टहल भी रहे हैं। जदयू के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन। खुले तौर पर नहीं, लेकिन आरसीपी सिंह और जदयू के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे, नेताओं के बयानों से ये साफ पता चलता है। वहीं पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह अब मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिन आरसीपी सिंह जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके पैतृक आवास पकरी गाँव में उनके परिवार से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे जदयू को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आज वो निजी कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए कोई पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं देंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि ये मेरा निजी कार्यक्रम था, कोई दौरा नहीं था, इसलिए आज कोई राजनीतिक सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं। देश भर में आज फिर कोरोना संक्रमण का पारा चढ़ा ऊपर। कोरोना वायरस के पिछले हफ्ते बढ़ रहे हुए केसों पर सोमवार से ब्रेक जरूर लगा, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बुधवार यानी आज जारी किए गए अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,265 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में 45 लोगों की जान भी गई है। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के 18,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज फिर कोरोना के केस में बीते दिन की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 15,447 लोग ठीक भी होकर घर लौटे हैं। हिटमैन ने रचा इतिहास, अफरीदी, गेल और धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। लंदन के केनिंगटन ओवल ग्राउंड में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को पूरी तरह से धो डाला। रोहित शर्मा ने 58 गेंदों पर 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 76 रन की पारी खेली और इस दौरान रोहित ने कई रिकॉर्ड बनाए और ध्वस्त किए। रोहित शर्मा भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में 250 छक्के पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने, साथ ही साथ वो भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर 229 छक्कों के साथ धोनी हैं। वहीं वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के शाहिद अफरीदी के नाम पर दर्ज हैं, जिन्होंने 351 छक्के लगाए थे, तो वहीं 331 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं। वहीं जयसूर्या 270 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कविता कुमारी, शंकर मुखिया, नुन्नू कुमार, सचिंदर भंडारी, आदित्य राज, मुकेश कुमार यादव, के सिंह, अनूप कुमार, मिथुन पंडित। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप बिहार सरकार द्वारा कांवड़ यात्रियों के लिए मुहैया कराई गई विशेष सुविधा से संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।